हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग आज नारियल की चटनी बनाते हैं। तो इसके लिए हमने आधा कटोरी नारियल ले लिया है और आधी कटोरी से थोड़ी से कम दही ले ली है। ये दोनों हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। उसके बाद ये सत्तू लिया है चने का। अगर आपके पास भुना हुआ चने की दाल है तो आप वो भी ले सकते हैं। और इसमें फिर हम डालेंगे कड़क पत्ती और हरी मिर्ची, नमक थोड़ा सा। ये सब कुछ हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। मिर्ची काट लेते हैं तो पीसने में थोड़ा आसानी रहेगी। ये सारा कुछ डाल के हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। दोस्तों, इसमें जो सत्तू डाले हैं उससे बहुत ज़्यादा अच्छा सौंधा बनाता है, तो आप लोग के पास हो तो ज़रूर डालिएगा। अब इसमें हम तड़का लगाएंगे अपनी चटनी में। तो इसमें हम सरसों का तेल डाल दिए हैं कढ़ाई में, फिर डाल दिए हैं राई। राई जब चटकने लगी तो लाल मिर्ची डाल दिए, फिर उड़द की दाल और चने की दाल और थोड़ी सी हींग डालेंगे। ये सब जब हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे करी लीव्स। ये तड़का जब हो जाएगा फिर ये तड़का हम चटनी में डाल देंगे उठा के। ये देखिए, ऐसे सारा तड़का उठा के चटनी में डाल दीजिए। ये चटनी बहुत ही डिलीशियस बनती है। इसको आप डोसे के साथ खा सकते हैं, इडली के साथ खा सकते हैं। बहुत ही जायकेदार ये चटनी बनती है बहुत ही कम सामान में। तो आप लोग ट्राई करिएगा दोस्तों, बताइएगा कि कैसी बनी थी। बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही स्पाइसी बनती है। अगर आप लोगों को स्पाइसी पसंद है तो लाल मिर्ची का पाउडर ऊपर से थोड़ा डाल दीजिए। ओके, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।